परवरदिगारा अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बिनाई अता कर दे, जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे। कर दिया या नबी, मैं आपको देख सकती हूँ, देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। सही से देखो, सब दिखाई दे रहे हैं। मुझे सिर्फ आप दिखाई दे रहे हैं। मैं नहीं चाहती सिवाय आपकी किसी और को देखूं। मैंने खुदा से दुआ की थी कि मेरी इन बेनूर आंखों को मुनाफर कर दे ताकि मैं आखिरी बार अपने यूसुफ को और देख लूं। और फिर आप मुझे मौत आ जाए, अब जितनी भी मोहलत है सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ। ऐ गर्म और हायल होने वाले आंसुओं, मुझसे क्या चाहते हो? उम्र के इस आखिरी लम्हात में तो मुझे अपने यूसुफ को खूब जी भर के देख लेने दो। इत्मीनान रखो जुलेखा, इरादा खुदावंदी ये है कि वो तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करे ताकि अजियत और इंतजार के इन तवील सालों का अजाला हो जाए। इनायत खुदावंदी देख रही है? आपने देखा, सुलेखा को बिनाई मिल गई। क्यों नहीं, पयाम्बर दुआ करता है तो खुदावंदे आलम जरूर मुस्तजाब करता है। बिनाई तो उसका अदना तरीन मौजजा है। बानो, तामा, बानो, 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 तुम दोनों कितनी बूढ़ी और कमजोर हो गई हो। बानो, तुम दोनों ने अपनी तमाम उम्र मेरी खिदमत करते गुजार दी। बानो, मैं तुम दोनों को देख सकती हूँ, मैं आपको देख सकती हूँ। आया आप भी लुत्फ व इनायत खुदावंदी का मुशाहदा कर रहे हैं? मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस तरह शुक्र अदा करूँ? आया सजदा करूँ तो काफी होगा? हाँ, सजदा शुक्र बजा लाओ कि बंदगी की खूबसूरत तरीन तजल्ली सजदा है।
काहिनान माबद आमून क्या देख रहे हैं? क्या अब भी शक की कोई गुंजाइश है? मैं कुछ नहीं देख रहा। अभी लम्हे भर पहले आपने मुझे होशियार कहा था, बस अब मैं इतना भी अहमक नहीं कि इस किस्म के तमाशों पर यकीन कर लूं। उम्र भर के झूठ और मुकर फरेब ने आप लोगों को अंधा, गूंगा और बहरा कर दिया है, और अब आप लोग इस गुमराही से कभी नहीं निकलेंगे। किस चीज पर यकीन करना अहमकाना है? खुदाए यक्ता की कुदरत पर या जुलेखा की बिनाई पर? हाँ, मुझे दोनों पर यकीन नहीं। मैं तो ये मानता ही नहीं कि जुलेखा कभी नाबीना भी थी। जुलेखा की नाबीनाई का शोहरा तो शहर भर में है, सब लोग जानते हैं। अलबत्ता मुझे आपकी बसारत पर शक जरूर हो रहा है। आपको जुलेखा के नाबीना होने में शक है? कोई बात नहीं, आपको इस बात का तो यकीन है ना कि जुलेखा ज़ईफ हो चुकी हैं? अगर ये जवान खूबरू हो जाएं, तो क्या फिर ईमान ले आएंगे? वो तो जाहिर है। अलबत्ता मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि जिस दिन मुर्दे जिंदा होने लगे और तारीख की नूर हो जाएगी, तो सुलेखा भी जवान हो जाएगी। Thank you.
खूब तो आंख माहू, जुलेखा को जवानी भी मिल गई। मैं जानता था वो कल्ब जिसने हजारों बंदगाने खुदा को कुफ्र और शिर्क को बुतपरस्ती की जानिब तहरीक दी हो, वो कल्ब कभी हिदायत के नूर से मुनव्वर नहीं हुआ करता। अब भी नहीं चाहोगे कि युजार सीफ के खुदा पर ईमान ले आओ, उस आजिज और मजबूर आमून की पैरवी और परस्तिश करो। मैं तो युजार सीफ के पास जा रहा हूं। अब मैं मजीद आमून की पैरवी नहीं करना चाहता। आया नबी खुदा इस गुनाहगार को कबूल कर लेंगे। खुश आमदीद खूबू, खुश आमदीद। बानो होश कीजिए, बानो आंखें खोलिए। इन्हें होश आ गया। नाकाबिले यकीन है, खुदा ऐसी इनायत किसी किसी पर करता है। खुदा उनसे माजरत कर लीजिए और फिलहाल मुझे माफ रखें।
अगर इजाजत फरमाए तो मैं चंद रोज अपने खुदा के साथ तन्हा रहना चाहती हूँ, और सिवाय खुदा के किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मैं कुछ समझ नहीं पा रही, इस इज्तनाब की वजह क्या है? मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे क्या हो गया, बस इतना जानती हूँ कि फिलहाल उनसे मिलना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मेरी तरफ से उनसे माजरत कर लीजिएगा।